खरगोन जिले में कोरोना महामारी के आंकड़ों में कमी आने के बाद शासन प्रशासन स्तर पर लॉकडाउन खोलने का विचार किया जा रहा है। इसी बीच खरगोन जिले के स्वामी विवेकानंद सभागार में संकट प्रबंधन समूह की बैठक रखी गई, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर कलेक्टर अनुग्रह पी, पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, विधायक केदार डावर, विधायक झुमा सोलंकी, बड़वा विधायक सचिन बिल्ला, समाज सेवी अलता बाजा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और समिति के सदस्य मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय विधायक रवि जोशी भी मौके पर पहुंचे और बताया कि दो दिन लॉकडाउन के बाद दुकान खोलने की परमिशन मिल सकेगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। लॉकडाउन में छूट लेकर आज क्या निर्णय लिया गया, किस प्रकार से छूट दी जाएगी व्यापारियों को, आम लोगों को? जिला क्राइसिस कमेटी लॉकडाउन में छूट लेकर आज क्या निर्णय लिया गया, किस प्रकार से छूट दी जाएगी व्यापारियों को, आम लोगों को? जिला क्राइसिस कमेटी की आज बैठक में प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये तय हुआ कि दो दिन खरगोन और बंद रहेगा। नगरीय क्षेत्रों में दुकानों को एक और दो नंबर के हिसाब से खोलेंगे। एक नंबर की दुकान एक दिन खुलेगी, दो नंबर की दुकान दूसरे दिन खुलेगी। नगरीय क्षेत्रों में ये व्यवस्था दी गई और छोटे गाँव के अंदर पूर्ण रूप से दुकानें दो दिन बाद खुलेगी। विशेष रूप से मेडिकल और दूध डेयरी की दुकानें अभी दो दिन तक लगातार खुलती रहेगी। इसके बाद इसका नंबर जिस दिन आएगा उस दिन दुकान खोलने का तय किया गया है। ये भी देखा जा रहा है कि जिसकी जो वैक्सीन लगाएगा वही दुकानें खोलेंगी। ये एक बात उस बैठक में तय करी गई कि वैक्सीन का जिस व्यक्ति के पास सर्टिफिकेट है वही दुकान खोले। वैक्सीन लगने में देरी हो रही है, हम लोगों ने सुझाव दिया है कि वैक्सीन लगते रहेंगे, दुकानें यथावत नंबर के हिसाब से खुलती रहेगी। वैक्सीन प्राथमिकता होना चाहिए, टीकाकरण पर हम लोगों का विशेष जोर है। सरकार की तरफ से टीकों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में व्यापारी और नौजवानों के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं है, आते रहेंगे, लगते रहेंगे, व्यापार भी हमारा संचालित होता रहे, हम लोगों का प्रयास ये। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।